की ब्लॉग्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आज मेरा ऑफ है बेसिक, यहाँ शोर है, लेट्स अवॉइड दिस। सो गाइज, आज के ब्लॉग में आज मेरा ऑफ डे है शूट से और आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक उसका व्लॉग बना लूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आप सभी को बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ बांद्रा, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चर्च है जिसका नाम है माउंट मैरी चर्च, आप सभी ने भी उसका नाम सुना ही होगा। एंड आज मैं वहीं जा रहा हूँ बिकॉज क्रिसमस भी आ रही है और अच्छा ओकेशन है, तो आई नॉट लेट्स गो देयर। सो या आई एम ऑल सेट टू गो। तो अभी खुशी यही थी मैं आपसे आपको मिलवा सकता था लेकिन वो छोड़ी गई थी। एनीवेज, तो अभी चलते हैं, आपको मैं मिलता हूँ गाड़ी में, लेट्स गो गाइस। अभी मैं फाइनली गाड़ी में बैठ चुका हूँ एंड आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन दैट इज़ बांद्रा। सो अभी हम वहाँ चलते हैं और मैं डायरेक्टली आपसे वहाँ पर मिलूँगा। मैं क्या क्या वहाँ पर फ़न करता हूँ, क्या मस्ती करता हूँ, वो आप सब देख लीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं, लेट्स गो।
गाइज अभी मैं माउंट मैरी पहुंच चुका हूँ एंड पीछे आप देख सकते हैं माउंट मैरी। तो अभी चलिए मैं अंदर चलता हूँ डायरेक्टली और आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। गाइज अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ, यहाँ से हमने की एंट्री एंड अभी हम चलते हैं अंदर। हम अंदर चल के फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, लेट्स गो। सो गाइज मैंने दर्शन भी कर लिए चर्च के अंदर जाके एंड अभी हम आगे जा रहे हैं, मतलब अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा से कार से देखते देखते मार्केट ऐसे ही देखते देखते हम घर की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। सो गाइज यहाँ से अभी हम राइट लेंगे और यहाँ से शुरू होता है बैंड स्टैंड। और ये तरफ है ताज होटल, बांद्रा की ताज होटल। ये है शाहरुख खान सर का बंगलो मन्नत, दिस वन, यस यस। सो दिस इज द बंगलो। यहाँ पर है ये एंड दिस इज बैंड स्टैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट वॉज शाहरुख खान सर्स बंगलो from that side. This whole area is called as bandstand. This whole. आप सभी को अंधेरे के वजह से वो पानी दिख नहीं रहा होगा, अदरवाइज ये बहुत अच्छा दिखता है अगर आप मतलब इवनिंग 4-5 o'clock के आसपास आओ तो, जब सनसेट हो रहा हो तब ये बहुत अच्छा दिखता है। This one is Rekha Ma'am's bungalow. And this jet plane has been made now. मतलब पहले नहीं था, अभी ये जब मैं लॉकडाउन के बाद आया हूँ तभी मुझे दिख रहा है, वरना पहले तो ये नहीं था। So यहाँ पर पीछे रेखा मैम का बंगलो है ये पूरा। Oh, sorry, that one with the lights, yeah, so that is and guys अभी यहाँ पर ये सलमान सर की बिल्डिंग है, this one, yeah, he stays on the first floor I guess, yeah, so ये है उन्हीं की बिल्डिंग है यहाँ पर। सो फ्रॉम योर नहीं हाँ सो दिस विद द कर्टन्स वो उनका हाउस है द फर्स्ट वन। सो यहाँ से भी है एंट्री, यहाँ से भी है एंट्री, तो दोनों जगह से एंट्री है।
सो गाइस अभी जुहू आने वाला है, आमची मुंबई चा जुहू। वही मैं सोचू इतना अंधेरा क्यों लग रहा है, मैंने लाइट ही ऑन नहीं की थी। सो आमची मुंबई चा जुहू अभी आएगा, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एंड अभी बस अभी हम हमारे घर की तरफ ही चल रहे हैं, सो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो गाइज़ ये हमारे मुंबई की, हाँ ये हमारे मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट फेमस होटल्स में से एक है। इसका नाम है JW मैरियट, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है अंदर से भी और बहुत ही अच्छी है। मैं इसमें 2 से 3 बार गया हूँ और ये बहुत ही अच्छी है। हाँ मैं 3 बार गया हूँ उसमें, वेरी नाइस प्लेस। सो आप अभी अगर मुंबई आएँ तो जाइएगा ज़रूर। सो या गाइस अभी आएगा फेमस इस्कॉन टेम्पल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी ये भोलेनाथ जी का मंदिर है और ये है राइट में इस्कॉन टेम्पल। ये इसका एग्जिट है, अभी तो ये बंद हो गया है, वरना मैं दर्शन कर लेता जाकर। यहीं तक था। अभी मैं अपनी बिल्डिंग में पहुंच चुका हूं, तो अभी चलते हैं बाहर। सो लेट्स गो। फाइनली आई एम होम। तो अभी चलते हैं अपने घर पे, फ्रेश हो जाता हूं, फिर आपसे मिलता हूं। सो गाइज आई एम फाइनली बैक होम एंड बस यही था आज के व्लॉग में। मैं फ्रेश भी हो चुका हूं। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
अभी मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, आई एम वेरी 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 टायर्ड, सो अभी आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। बस मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बाय गाइज़।